नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करनी है। आप देखेंगे ये आदतें अपनाने के बाद आप में जो इम्प्रूवमेंट होगा उससे लोग देख कर अचंभित रह जाएंगे, बोलेंगे यहाँ परिवर्तन कैसे होगा और इतना जल्दी। मैंने तभी इसे 1-2 महीने पहले मिला था, इसके अंदर एक खूबियाँ नहीं थी, आज इसके अंदर एक खूबियाँ कैसे आ गई। तो वो 9 खूबियाँ क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, तो नोट कर लीजिए कहीं किताब पर किसी भी जगह पर। तो पहली क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया से मेरा कंसेप्ट है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा हर वक्त मूवी देखते हैं या फिर यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर पैसे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया से दूरी कर लें और इंटरटेनमेंट का डोज थोड़ा आप कम लें। नंबर 2, आप सामाजिक बनने की कोशिश करें या फिर सामाजिक बनने। देखिए आज आपको लग सकता है कि मुझे लोगों से घुलना मिलना अच्छा ना लगता हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास काफ़ी ऐसी समस्याएं आएंगी जिसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा, आपको वहीं से मदद मिलेगी आगे बढ़ने की। और आप लोगों को इग्नोर ना करें, जो लोग आपसे हैं उन्हें इग्नोर ना करें। तीसरी बात है कि जो आपको महत्व दे रहे हैं, कुछ आपके सर्किल में दोस्त होंगे आपको लगेगा वह चेपू है, नहीं, बस फर्क इतना है कि वो आपको महत्व ज़्यादा देते हैं, तो आप ऐसे लोगों को गलती से भी इग्नोर ना करें। नंबर 4, डेली नहाना, डेली बेसिस पे नहाना और एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये आपके पार्ट का एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि प्राण जाए पर मेडिटेशन ना जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में होनी चाहिए। नंबर 5, अक्सर होता है कि हम सिर्फ सोचते जाता है, इस पे आपको थोड़ा से कम करना है और करने पे ज़्यादा वर्क करना है। आप करने को ज़्यादा महत्व दें ना कि सोचने को, थिंकिंग को। थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन तब जब आप उस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं तब। और नंबर 6 जो है, आपको किताबें पढ़ने की हैबिट डालना चाहिए। आप ऑनलाइन में रीडिंग करते हो तो सही है, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस देखते हो तो सही है, लेकिन उसके साथ आप कोशिश करें कि आप जो है किताबों के माध्यम से अध्ययन को पहली प्राथमिकता दें। नंबर 7, अमूमन कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह है कि आप कोशिश करें कि आप जो है सुबह में जगने की कोशिश करें और वो चीज़ें सुबह में कंप्लीट करने की कोशिश करें। नंबर 8, कि आप कभी मेहनत करने से अपने आप को पीछे ना करें, यानी कि मैक्सिमम लोग होते हैं वो मेहनत से डर कर किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने से पीछे हट जाते हैं, इस चीज़ को कम करें। आप मेहनत करें, हाँ शुरुआत में आप एक एक स्टेप बढ़ाएं, लेकिन उस चीज़ में कंटिन्यूटी, अपने जो भी आपका पोटेंशियल है उसमें 100% देते रहें। नंबर 9, अब जब आपने ऊपर की 8 चीज़ें कर ली हैं तो आप उसको जब आप सारे काम दिन भर में कर लेते हैं, जब आपका एंड मतलब पूरे डे का नाइट का एंड होता है, जब आप सोने जाते हैं उससे आधे घंटे के पहले, आप चीज़ों को समराइज करके लिखें और अगले दिन मुझे क्या बेटर करना है उस बारे में आप डायरी में लिखें और सुबह एक बार उसे पढ़ें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। तो कुछ 9 बातें थी जो आप अपने लाइफ में जोड़ के एक अच्छे व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में निखर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक इस बात को पहुंचाएं, या बात आगे आपको इतनी काम आने वाली है आपको शायद उसका अंदाजा तक नहीं है। तो नमस्कार, आज का वीडियो बस यही था।